ऋग्वेद के अनुसार एक बार ऐसा हुआ कि दानवों को अंत करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो भोलेनाथ को स्वयं उनका क्रोध शांत करने के लिए आना पड़ा। ये स्थान किस जगह पर है, इसका बैसाखी से क्या संबंध है और यहाँ स्नान करने से 5 तीर्थों का पुण्य क्यों मिलता है, आइए जानते हैं। ऋग्वेद के अनुसार हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के देहरा उपमंडल के कालेश्वर में ब्यास नदी के किनारे एक प्रसिद्ध कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर है। सतयुग में हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों में दैत्य जलंधर के आतंक से देवता ऋषि मुनि सभी परेशान थे। सभी ने भगवान श्री हरि से समस्या का समाधान मांगा। तभी देवताओं ऋषियों और मुनियों ने अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की, इससे महाकाली का जन्म हुआ। उन्होंने कुछ ही क्षणों में जलंधर और अन्य दैत्यों का नाश कर दिया। दैत्यों के संहार के बाद भी जब काली जी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान शिव स्वयं पहुँचे। शिव जी युद्ध भूमि पर लेट गए और क्रोधित माता का पैर उनके ऊपर पड़ गया। देवी काली को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ तो वह एकदम से शांत हो गई, लेकिन उन्हें बार बार इस गलती का अफसोस होता रहा। प्रायश्चित करने के लिए वर्षों तक हिमालय पर विचरती रही। एक दिन वह कालेश्वर में ब्यास नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। भोलेनाथ ने उस समय देवी काली को दर्शन दिए और उस स्थान पर कालेश्वर महादेव की स्थापना की। तब से इस स्थान को कालीनाथ कालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। कालीनाथ कालेश्वर महादेव का इतिहास पांडवों से भी जुड़ा है। कथा मिलती है अज्ञातवास के दौरान पांडव जब यहाँ आए थे तो अपने साथ भारत के प्रसिद्ध तीर्थों प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार और रामेश्वरम का जल साथ लेकर आए थे। तब उन्होंने इन 5 तीर्थों के जल को पूर्व से स्थित तालाब में डाल दिया। तब से इस स्थान को 5 तीर्थों के नाम से जाना जाने लगा। यूं तो 5 तीर्थों में स्नान का हमेशा ही पुण्य मिलता है, लेकिन बैसाखी के दिन यहाँ स्नान करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की धर्म और इतिहास से जुड़ी छोटी छोटी महत्वपूर्ण कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। हर हर महादेव शंभू।